देखिए, पूरी घटना बहुत शर्मनाक है और एक समाज के तौर पे हम सारे लोग बहुत दुखी हैं। इस मामले में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि सीधे इंसाफ मिलना चाहिए उस बेटी को जिस बेटी के साथ जुल्म किया है, उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए जो परिवार जिसने अपनी बेटी खोया है। और वो बेटी हम सब के लिए बहन की तरह है, बेटी की तरह है, हम सब उस पीड़ित के साथ खड़े हैं। बीजेपी धरना पर बैठी हुई है पिछले 7 दिनों से और तृणमूल कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस कहाँ पे है? मैंने कहा ना, राजनीति इस तरह के संवेदनशील विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने निर्भया के परिवार की मदद की, राजनीति नहीं की। यहाँ दोनों राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मणिपुर पर चुप रहती है, हाथरस पे चुप रहती है, सेलेक्टिव हो जाती है। बिल्किस के रेपिस्टों को रिहा किया जाता है, उन्हें माला पहनाई जाती है। तो जो सेलेक्टिवनेस है भारतीय जनता पार्टी का, वो सेलेक्टिवनेस उन्हें छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह राहुल गांधी जी बेटियों के प्रति हिंसा के मामले में बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, उस तरह से देश के प्रधानमंत्री को भी ईमानदार होना पड़ेगा, तभी मुझे लगता है देश में बेटियों के खिलाफ अपराध रुकेंगे। सरकार ने एंटी रेप बिल लाया है, इससे क्या इंसाफ मिलेगा? देखिए, बिल तो निर्भया के बाद भी निर्भया बिल आया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो पा रहा है? लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए आप बिल बना लीजिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? इम्प्लीमेंटेशन होने लगे तो शायद बेटियों के खिलाफ जुल्म अपने आप रुक जाए। थैंक यू।